भारत को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेलने और उसके बाद भारतीय दौरे पर आ रही है श्रीलंका की टीम, जिसके शेड्यूल में अब बड़ा बदलाव किया गया। और क्यों किया गया वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि जो इस समय वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, उसी को देखते हुए BCCI जो है वो शेड्यूल में बदलाव करने जा रही है। और रीजन है कि ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं कराना चाहती है BCCI टीम इंडिया को भी और श्रीलंका की टीम को भी। आपको बता दें कि पहले के शेड्यूल के हिसाब से जो 100वां टेस्ट मैच विराट कोहली का हो सकता था, यानी कि जो 25 तारीख से टेस्ट मैच खेला जाना था वो बेंगलुरु में खेला जाना था, उसके बाद मोहाली में दूसरा टेस्ट मैच था, उसके बाद मोहाली में पहला T20, उसके बाद धर्मशाला में दूसरा T20 और तीसरा लखनऊ में T20 मैच खेलना था अगेंस्ट श्रीलंका। लेकिन अब पूरी तरीके से बदलाव किया जा रहा है एंड कहा जा रहा है कि पहले 2 T20 मैचेस धर्मशाला में होंगे, तीसरा T20 मैच जो है वो मोहाली में होगा और मोहाली में ही एक टेस्ट मैच कराया जाएगा जो कि विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच होगा। और देन वहां से जो गाड़ी है वो सीधे की सीधे बेंगलुरु में आएगी। और आपको बता दें कि बेंगलुरु में पिंक बॉल टेस्ट मैच कराने की बात चल रही है, हो सकता है कि डे नाइट टेस्ट मैच हो भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये शेड्यूल में बदलाव किया गया है। और एक तरीके से देखा जाए तो लखनऊ, जिनके पास मौका था कि तीसरा T20 होस्ट करते, उनके हाथों से वो T20 निकल गया है। जी हाँ, पहले कि शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट मैचेस की शुरुआत होनी थी बेंगलुरु और मोहाली में, पहले टेस्ट मैच होना था, लेकिन अब T20 मैचेस से शुरुआत होगी श्रीलंका के खिलाफ, जो खबर आ रही है। एंड पहले 2 T20 मैचेस धर्मशाला में, उसके बाद जो आखिरी टेस्ट T20 मैच है वो मोहाली में खेला जाएगा, फिर मोहाली में ही टेस्ट मैच खेला जाएगा जो कि विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच होगा। एंड देन जो आखिरी टेस्ट मैच होगा वो बेंगलुरु में खेला जाएगा जो कि डे नाइट टेस्ट मैच हो सकता है, इस तरीके की खबर आ रही है। BCCI जो है वो डे नाइट टेस्ट मैच कराना चाहती है, पिंक बॉल टेस्ट मैच कराना चाहती है, और इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा ट्रेवलिंग ना हो। अगर बेंगलुरु में पहला टेस्ट होता उसके बाद मोहाली जाती टीम तो ट्रेवलिंग ज्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए धर्मशाला और मोहाली में ही चीजों को फिक्स करने की बात चल रही है। और मेरे ख्याल से ठीक भी है, देखते हैं कि किस तरीके से इस टूर को कंडक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ BCCI की नजर जो है वो करंट सिचुएशन पर भी है कि कितने केसेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से प्लानिंग की जा रही है। होपफुली भारत और वेस्ट इंडीज का सीरीज अच्छे से निकले, जो कि अहमदाबाद में क्लोज एनकाउंटर होगा और कोलकाता में 75% क्राउड को अलाउ किया गया है। लेकिन मोहाली, धर्मशाला और बेंगलुरु में क्या स्टेप लेगी अगेंस्ट श्रीलंका BCCI, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको कैसी लगी खबर आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।